पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की ज़रूरत है तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है यह चलता रहता और चुनाव हो जाता, चुनाव नहीं रुकता, लेकिन रुका है चुनाव, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम है।